हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा जो सीरीज चल रहा है 2021 सन साइन के हिसाब से, मैंने ऑलरेडी 8 राशि के बारे में आपको बता दिया है। आज हम लास्ट की 4 राशि के बारे में लेंगे। सबसे पहले उसमें लेते हैं सैजी। आप सबको अपना अपना सन साइन मालूम ही होगा। तो सैजी, आप लोग अगर इच्छते हैं कि आप फॉरेन लैंड में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। हाँ, पर हॉस्पिटल के खर्चे भी इंडिकेट कर रहे हैं और थोड़ा रोड एक्सीडेंट या फिर हॉस्पिटल के भी खर्चे बता रहे हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है, ये साल आपका थोड़ा एक्स्ट्रा आपकी उम्मीद से ज्यादा खर्चा हो सकता है। सो बी केयरफुल। सैजी के बाद हम लेते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आप लोगों का ऑलरेडी सारे साथ ही चल रही है, पर डोंट वरी, ये साल आपकी इच्छा पूर्ति होने की पूरी संभावना है। पर हाँ, ट्राई करें आपके पड़ोसियों के साथ थोड़ा अनबन ना हो, पर आपकी इच्छा पूरी होने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं विजयलक्ष्मी एज एस्ट्रोलॉजर आपको ये उम्मीद गाइड करना चाहूंगी कि इच्छा आप बहुत अच्छी अच्छी रखिए। उसके बाद हम लेते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लोगों की भी सारा साथी चल रही है, पर आप लोग अगर जॉब में है तो जॉब में एक उच्च पद पाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर आप कोई रेलवे में है या फिर कोई सरकारी अधिकारी में काम करते हैं, उसमें आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद लेते हैं पाइसेस। पाइसेस धर्म कर्म का आपका ये पूरा साल है। जितना ज्यादा हो सके धार्मिक स्थल में अपनी यात्रा करिए। आपके ये साल बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। अगर आप एक मंदिर का दादर चढ़ते हैं, आपको उसका पुण्य लाखों में मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये चारों राशियों का क्लियर हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कल आती हूँ एक अलग से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरिओम।